हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम अपने पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के बारे में मेंशन किया हुआ था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और ये जो फॉलिंग चैनल था जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था तो इस स्टॉक को ऑलमोस्ट 2450 के आसपास रिकमेंड किया गया था, जहां पे इसके टारगेट 2550 के थे शॉर्ट टर्म में, और सेकेंड टारगेट जो था 2600 का था, और दोनों ही टारगेट यहाँ पे हिट हुए हैं। इसके बाद अगला स्टॉक था आरती इंडस्ट्रीज, जिसको वॉच लिस्ट में रखने के लिए बोला हुआ था। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ था और ये 200 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे जब इसने सपोर्ट लिया तब 900 के स्टॉप लॉस के साथ 945 के यहाँ पे टारगेट दिए गए थे, और वो भी टारगेट यहाँ पे अचीव हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्लू चिप स्टॉक, जब इस स्टॉक ने यहाँ पे लगभग 1921 के आसपास डबल बॉटम लगाया था, और फिर उसके बाद इसने जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इस कैंडल के बाद, तब यहाँ पे इस स्टॉक को 2000 के एवब यहाँ पे वॉचलिस्ट में रखने के लिए बोला गया था। इसके जो टारगेट थे वो 2100, 2200 और 2300, एंड द लास्ट टारगेट वॉज द 2400, जो कि विद इन अ मंथ यहाँ पे अचीव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। तो फिलहाल यहाँ पे एक टारगेट अचीव हो चुका है, सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट टच करने वाला है, एंड आई थिंक रिजल्ट आने के पहले तक अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आई थिंक ये 2400 का भी टारगेट आपको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा SRF को भी यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखने के लिए बोला गया था। एक शानदार यहाँ पे हमें W पैटर्न की रिकवरी देखने को मिली थी, ऑल दो इस स्टॉक में हमारा जो स्टॉप लॉस था 2600 का वो यहाँ पे हिट हो गया, बट स्टिल ये स्टॉक जो है तो हमारे टारगेट की ओर मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में टारगेट जो थे शॉर्ट टर्म में वो 3000 के थे, एंड आई होप रिजल्ट आते तक यहाँ पे ये टारगेट मीट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट की, जो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा यहाँ पे दी गई है। सेक्टर यहाँ पे कंज्यूमर है, और यहाँ पर एज पर द मोतीलाल ओसवाल की बात करें या फिर मेरे ओपिनियन की बात करें, मुझे लगता है एम्पल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड फॉर द पर्पज ऑफ द स्विंग ट्रेड ऑल्सो। चलिए रिपोर्ट की अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ में आपको यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसका जो रीज़न दिया गया है वो यहाँ पे दिए गए हैं मल्टीपल प्राइस हाइक्स। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को रेगुलरली फॉलो किए होंगे तो आई थिंक मैंने मोर देन 2-3 टाइम्स यहाँ पे HUL के प्राइस हाइक की न्यूज़ डाली हुई थी, जहाँ पे उन्होंने सर्फ एक्सेल, बिम बार, लक्स, कई सारे मतलब वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके कई सारे प्रोडक्ट्स में प्राइस हाइकिंग मल्टीपल टाइम्स उन्होंने किया है। न सिर्फ HUL ने बल्कि डाबर ने भी कई बार किया है, इनफैक्ट नेस्ले ने भी वहाँ पे कई बार अपने प्राइस हाइक को किए हुए हैं। अब बात करें हम मैगी की, मैगी कभी 10 रुपये का हुआ करता था, वो बढ़ के 11 रुपये हुआ, 11 रुपये से बढ़ के वो 12 रुपये भी हुआ, लेकिन देखिए जो लोग मैगी खाते हैं उन्होंने मैगी खाना बंद नहीं किया है। उसका रीज़न ही यही है कि 10 से 11 हो गया उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सिर्फ 1 रुपये का यहाँ पे प्राइस हाइक हुआ है, लेकिन उस 1 रुपये से कंपनी कहीं ना कहीं अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर लेती है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे वो इन्फ्लेशन के बढ़ने के बावजूद अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। और इस रिपोर्ट में भी वही बात को दोहराया गया है, राइज प्राइस फर्दर इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट मार्जिन, तो मार्जिन को यहाँ पे बचाया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि मैं बार बार अपने यहाँ पे चैनल के जो भी मेरी ऑडियंस है उनको बार बार ये चीज़ मैं बोलता रहा आया हूँ, रिसेंट करेक्शन इन स्टॉक प्राइस हैज़ रिजल्टेड इन पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली हम बात करें चाहे HUL की, चाहे टाटा कंज्यूमर की बात करें, कई सारे यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे जो मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, डाबर की बात कर लीजिए, मारिको की बात कर लीजिए, नेस्ले की बात कर लीजिए, सारे स्टॉक ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है एक लोअर वैल्यूएशन पर स्टॉक को परचेज करने की। और ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद मोतीलाल ओसवाल ने अपने जो टॉप पिक सेलेक्ट किए हैं वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, डाबर, मारिको एंड वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। गोदरेज कंज्यूमर को यहाँ पे चूज़ करने का जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ द CEO है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देखने को मिलेगा, रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में देखने को मिलेगी। बात करते हैं डाबर की, तो डाबर को चूज़ करने का मेन रीज़न है यहाँ पे कि डाबर जो है वो कोर हेल्थ केयर बिजनेस पर यहाँ पे फोकस करता है, और जब यहाँ कोर हेल्थ केयर बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे डाबर एक ब्रांड बन चुका है। हमने देखा है यहाँ कोविड के अगर हम बात करें, डाबर के कई सारे प्रोडक्ट, चाहे डाबर के गिलोय की बात करें या चाहे डाबर के हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें, इनफैक्ट वो टी में भी एंट्री ले चुके थे, वहाँ पे उन्होंने नीम, तुलसी जैसे कई सारे वहाँ पे
आयुर्वेदिक प्लांट्स को यूज़ करते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की थी। तो इस तरीके से डाबर ने एक बहुत अच्छा बिजनेस किया था, काफ़ी अच्छी वहाँ पे उनकी सेल्स देखने को मिली। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वार्टर थ्री की अगर मैं बताऊँ, मैंने जो रिजल्ट के वहाँ पे कंपेरिजन भी किया हुआ था HUL वर्सेज डाबर वर्सेज कई सारे वहाँ पे मैंने रिजल्ट भी डिस्कस किए थे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में सबसे खास बात डाबर की ये रही कि रूरल में जहाँ पर सारे ही कंपनियों के वहाँ पे जो वॉल्यूम में ग्रोथ थी वो नेगेटिव में देखने को मिली, लेकिन डाबर की जो ग्रोथ थी वो पॉजिटिव में देखने को मिली। यानी रूरल सेक्टर में भी इनका पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है डाबर के लिए। इसके साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन भी कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ये बढ़ा रहे हैं, और यही रीज़न है कि मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे डाबर को अपना टॉप पिक सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वरुण बीवरेजेस लिमिटेड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका इन होम कंजम्पशन और आउट होम कंजम्पशन दोनों ही बढ़ने वाला है, क्योंकि समर अब आ गया है और यहाँ पे जो है तो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस वगैरह की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से इनके यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे इनका जो साउदर्न और वेस्टर्न रीजन है, तो यहाँ पे इनका पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। इन्होंने कैपेक्स भी अपना जो है तो इस बार बढ़ाया है, जिसका इफेक्ट इनकी सेल्स में देखने को मिलेगी और उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर वगैरह की काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन रूरल एरिया में भी बढ़ती हुई देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर जो है तो आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं चीज़ों को ठंड रखने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया गया है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे वरुण बीवरेजेस को टॉप पिक सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल ने। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने कंज्यूमर सेक्टर के कई सारे ब्रांड्स को, कई सारी कंपनीज को यहाँ पे एनालाइज किया है और अपनी रेटिंग दी हुई है, जिसमें से ब्रिटानिया को यहाँ पे बाई रेटिंग दी हुई है, डाबर को बाई की रेटिंग दी है, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, HUL और इंडिगो पेंट्स को यहाँ पे बाई की रेटिंग दिया है। यहाँ पे मारिको की बात करें, PNG हाइजीन की बात करें, टाटा कंज्यूमर की बात करें और वरुण बीवरेजेस की बात करें, तो इन स्टॉक्स को मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है। तो दोस्तों ये तो हो गई मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च। हमें भी अपनी खुद की एक रिसर्च करनी चाहिए जब भी हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में करते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वहाँ पर एक रिकमेंडेशन लेनी चाहिए। फिलहाल इस रिसर्च को देखने के बाद और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं यहाँ पर दो स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और जो तीसरा स्टॉक है वो फिलहाल यहाँ पर लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो QSR चेन से बिलोंग करता है। इनमें से सबसे पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्लू चिप स्टॉक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, FMCG में इतना स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शायद ही किसी का आपको देखने को मिलेगा, और यही रीज़न है कि अपने ये 10 जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें से 9 प्रोडक्ट में ये जो है तो ये हमें मार्केट लीडर देखने को मिलता है। इनके पास प्राइसिंग की एक बहुत बड़ी पावर है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और यही रीज़न है कि मुझे लगता है कि इनके नंबर इस बार काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है 2000 के नीचे की, आई थिंक दिस इज़ द वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द ब्लू चिप स्टॉक लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ से मुझे लगता है नियर शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है तो 2450 तक जाने का यहाँ पे दमखम रखता है, और अगर इसके बाद यहाँ पे इसमें अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं टिल देन, तो ये स्टॉक यहाँ से भी और आगे जा सकता है। फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस यहाँ पे आप डेफिनेटली इस प्राइस पर भी इसको आप लंबे समय तक के लिए यहाँ पे होल्ड या फिर एक्यूमुलेट कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर को देखिए, जब ये स्टॉक 700 के आसपास भी आया था तब भी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था कि बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है, 700 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल रहा है आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनने लिया है वेल एंड गुड, डेफिनेटली होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रहा सवाल यहाँ पे कि कब तक होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इनने लॉन्च किया है टाटा नियो ऐप, इनने यानी कि टाटा कंज्यूमर ने नहीं लॉन्च किया है, टाटा एंड सन्स ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है, लेकिन इसका जो बेनिफिशियरी होने वाला है डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर, ट्रेंट और यहाँ पे टाइटन जैसे स्टॉक इसके यहाँ पे बेनिफिशियरी होने वाले हैं, तो उसका एडवांटेज इस स्टॉक को मिलेगा, और मुझे लगता है उसकी वजह से एक रैली ड्यू है इसमें, और ये रैली आपको आई थिंक 880 जो इसका एक रेजिस्टेंस है और 900 यहाँ तक ये स्टॉक डेफिनेटली बड़े प्यार से जा सकता है। टिल देन यहाँ पे अगर इनके नंबर और बेहतरीन आते हैं तो इस स्टॉक में फर्दर जो है मीडियम टर्म के जो टारगेट होंगे वो 1000 के लेवल तक आप इसको देख सकेंगे। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से अगर 880 की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 10% की जो रैली है
अगर ये करंट मार्केट प्राइस पे मिलता है या फिर अगर आप इसको 800 के आसपास लेते हैं तो वहाँ से 880 जो है तो आपको 10% के आसपास लेके जा सकता है। टॉकिंग टू द नेक्स्ट जुबिलेंट फूड वर्क, यहाँ पे जुबिलेंट फूड को बहुत ज़्यादा गिराया गया है और गिराने का सिर्फ एक रीज़न था कि यहाँ पे इनके सीईओ का रेजिग्नेशन हमें देखने को मिला। डेफिनेटली एक गेम चेंजर सीईओ थे ये। 2017 से जब इन्होंने कमान संभाली थी जुबिलेंट फूड की, उस समय इसकी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल थी और वो वहाँ से इसको एक नई बुलंदियों तक लेके गए, तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ है। और ऐसा जब यहाँ पे लीडर हटता है तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट ज़रूर बनता है और वही रीज़न है कि यहाँ पे जुबिलेंट फूड वर्क को इतना ज़्यादा गिराया गया है। बट अगर यहाँ पे हम क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात करें, बहुत ही शानदार नंबर दिए थे। इसके अलावा कंपनी जो है तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। देखिए एक सीईओ के चले जाने से कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं हो जाते हैं, ठीक है। नए सीईओ आएंगे, कंपनी अगर उसी तरीके से उसी पॉलिसी से और उसी मैनेजमेंट की तरह कार्य करती रही तो डेफिनेटली ये आगे भी अच्छी करेगी। और यहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है 22 अप्रैल। तो यहाँ पे जो है तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इनके जो प्राइस हैं वो और भी ज़्यादा स्लैश हो जाएंगे, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा चीपर हो जाएगा और यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस के एक अप एंड डाउन मूवमेंट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कंपनी अगर अच्छा करेगी तो डेफिनेटली एक अप मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पे क्वार्टर फोर की तो उसके नंबर के आने का इंतज़ार रहेगा, चूँकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर एक छोटी सी तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 3000 और यहाँ पे 3250 के एक जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 200 डेमा का, उसको आप अज्यूम कर सकते हैं फर्दर टारगेट। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और मुझे लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में एटलीस्ट 10% की रैली आप फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीनों ही स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं और एक्चुअली सही बात करें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो नेवर सेल की कैटेगरी के ये स्टॉक्स हैं जिनको आप लाइफ लॉन्ग के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी और टॉपिक पर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिए सो दैट मैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाता रहूँ।